नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सीना होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने वाला हूँ। सीना जो है वो काफ़ी अच्छी दवाई है बच्चों के लिए। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप जो है ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिएगा। साथ में यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सभी तक शेयर करना ना भूलें। और आप हमसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, सीना जो है ना एक बहुत ही छोटी दवाई है परंतु तो बहुत पावरफुल दवाई है। ये मोस्टली एक्ट करती है बच्चों में और उन बच्चों में जिनको जो है पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम होती है। यदि आपने देखा होगा, बच्चे जब भी मल त्याग करते हैं तो मल के साथ में छोटे छोटे से वर्म्स आने लग जाते हैं। अब ये वर्म्स यदि गोल गोल राउंड है, राउंड वर्म्स हम जिनको बोलते हैं, यदि उस प्रकार के हैं जैसे गिंडोले होते हैं ना, उस टाइप्स की यदि हैं तो आप सीना देंगे तो बच्चे की ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आप सीना दोस्तों ऐसा नहीं है कि पेट के हर प्रकार के कीड़ों को मार देती है। सीना केवल जो राउंड वर्म होते हैं जैसे गिंडोले आपने देखे होंगे, है ना, वो जो गिंडोले टाइप्स के यदि आपको बच्चों की जो मल है उसमें देखने को मिल रहे हैं तो आप सीना देंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे के वर्म्स ठीक हो जाएंगे। अगली इसका सिम्टम है बच्चे जो हैं पेशाब कर देते हैं बिस्तर पे। यदि आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और रात को जो है सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं तो आप सीना दे सकते हैं। इनसे क्या होगा कि जो बच्चों के पेट में कीड़े तो होते ही हैं, है ना, सबके पेट में कीड़े होते हैं, परंतु बच्चों के पेट में जो है क्योंकि वो मिट्टी खा लेते हैं, कुछ भी ऊट पटांग यदि खा लिया तो पेट में जो है वो कीड़े ज़्यादा बन जाते हैं और उस कारण से उनको पेशाब भी हो जाती है, उस कारण से उनको एनस में खुजली होने लगती है और उस कारण से जो है उनके शरीर पनप नहीं पाता है। जो भोजन आप देते हैं, जो दूध आप पिलाते हैं, जितना भी आप न्यूट्रिशन बच्चे को देते हैं वो लग नहीं पाता है। तो आप यदि सीना देते हैं तो बच्चे जो बिस्तर में पेशाब कर रहे हैं वह भी ठीक हो जाता है, साथ में यदि उनके पेट में कीड़े हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, और यदि कीड़ों के कारण उनका शरीर पनप नहीं पा रहा है तो उनका शरीर पनपने लग जाता है, मतलब उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। अब दोस्तों, हर प्रकार के कीड़े जैसे मैंने आपको बोले कि पेट में यदि आप जो है थ्रेड वॉर्म हम बोलते हैं ना, मतलब यदि राउंड वॉर्म को छोड़ के दूसरे वॉर्म्स है तो सीना काम नहीं करेगी, है ना, सीना केवल राउंड वॉर्म पर ही काम करती है। और यदि बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ा प्रकार का है, आपके मेंटल सिम्टम में बता रहा हूँ सीना के बच्चे के, सीना में क्या होता है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा प्रकार का होता है, आपको एक चीज के लिए जिद्दी करेगा, एक खिलौने के लिए जिद्दी करेगा और वह जिद्दी करते करते दूसरे खिलौने के लिए जिद्दी करने लग जाएगा, और जैसे ही आप खिलौना ला करके देते हैं तो उसको वो फेंक देता है ना, मतलब जिद्दी किस्म के पेशेंट होते हैं सीना के। और जब उनको जो जिद्दी की जाती है, वो जो जिद्दी पूरी हो जाती है तो वो तुरंत उसको छोड़ करके एक नई जिद्दी ले लेते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो एक खिलौना मिलने पर जो है उसकी जिद कर रहा था, उसको ला करके दिया तो अब उसको जो है उसने फेंक दिया और दूसरे जो है चीज की डिमांड कर रहा है। इस प्रकार के यदि बच्चे हैं तो आप सीना दे सकते हैं। साथ में इस जो बेबी होता है सीना का, उसको हमेशा जो है झूले में झूलना पसंद रहेगा, हमेशा जो है उसको गोदी में बैठना पसंद रहेगा, हमेशा जो है वो चाहेगा कि वो जो है लोग उससे प्यार करते रहे, हमेशा जो है वो चिड़चिड़ा होगा। जैसे कैमोमिला का बेबी होता है बस वैसे ही सीना का बेबी भी होता है, काफी चिड़चिड़ा होता है और बातों बातों पे रोने लगता है, जिद्दी करने लगता है। तो यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं, आपका बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो आप सीना दे सकते हैं, उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो सकती है। साथ में यदि उसको वर्म्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, और यदि जो है शरीर में खाना नहीं लग रहा है तो वह भी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूले, और जो है आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। लास्ट में आपको पोटेंसी बता देता हूँ और इसको देना कैसे है। इसको दोस्तों 30 और 200 पोटेंसी में आपके डॉक्टर की परामर्श अनुसार आप ले सकते हैं। यदि 30 में ले रहे हैं तो आप एक एक बूंद जो है एक चम्मच पानी में डाल करके आप बच्चे को दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, और 200 पोटेंसी आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी भी एक बूंद जो है एक चम्मच पानी में मिला के दिन में 2 बार या 1 बार आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों यदि अच्छा लगा हो सभी तक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।